लेट्स टॉक, ये तो सीरियस सब्जेक्ट है। उसके बाद एक सवाल तुमसे पूछना है कि हर बंदे ने अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा चेंज लेके आए हैं, स्पेशली इस सिचुएशन के अंदर। इस वक्त हमने हर बंदे ने थोड़े से अपनी जिंदगी को ट्यून जरा फर्क किया है। सभा कमर ने अपनी जिंदगी को किसी तरह ट्यून किया? हाँ, बहुत अच्छे वे में। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैंने अपने आप में बड़ा चेंज देखा है आफ्टर 2015। हिंदी मीडियम के बाद मुझे लगता है कि जैसे एक अजीब सा ठहराव आया है मेरे अंदर। मेरे अंदर बहुत सुकून आया है। मेरे अंदर, मैं ऐसी नहीं थी। मैंने चेंज देखा है। मैंने अपने आप को खोला है, दिल को, दिमाग को। गलतियां करने की इजाजत दी है, लोगों को आने की इजाजत दी है, एक्सप्लोर करने की इजाजत दी है खुद को। यस, दीज आर द थिंग्स। तुम्हारे अंदर ये चेंज जो थी, मैंने सबसे पहले पता कब देखी थी? जब तुमने एक अवार्ड शो हुआ था, वो तुमने होस्ट किया था, और होस्ट में तुमने एक गाना परफॉर्म किया था, बैंग बैंग, बहुत मजे का था। यस, और यू आर उसके राइट। बाद, हाँ, इट वाज ग्रेट। मगर उस अवार्ड शो में जब तुम आके, जब तुम बोल भी रही थी ना, मुझे लग रहा था कि अंदर से ये सभा नहीं बोल रही, सभा की एक नई आवाज उठी है, एकदम से उसको कॉन्फिडेंस, कोई नया एहसास हुआ है। और एक कॉन्फिडेंस थी और एक वोनरेबिलिटी थी, उसको इकट्ठा मिला के तुम कॉन्फिडेंट भी थी अपने बारों के बारे में कहते हुए, और तुम डर नहीं रही थी जो तुम बात कहना चाह रही थी, और बातों बातों में तुम हाँ, काफी कुछ कह भी गई थी। आई थिंक कुछ ऐसा, कुछ मीन तो नहीं होगा। नहीं, बहुत अच्छा था। हाँ, आई थिंक अच्छी तुम थी। एक्सप्रेस कर ओके, रही थी कि दिस इज हु आई एम, दिस इज वेयर या आई एम, आई एम ओके या विद दिस। तो या मैं समझता हूं कि मुश्किल होता है, स्पेशली एक्ट्रेसेस के लिए, जब आपके ऊपर एक सर्टन स्टैंडर्ड लगा दिया जाए कि आप ऐसी होंगी, हाँ, आप ऐसी ही बातें करेंगी, आप इसके अलावा आप सिर्फ हमेशा प्रिटेंड करेंगी कि आप 16 साल की हैं और आपने एक सोप की टिक्की पकड़ी होगी, या आप कुछ और कर रही होंगी, आप एक कॉन्फिडेंट तौर तौर की सब कुछ नहीं कर सकती। आपने ये शेरू, सब हम इन सब कुछ आई के थिंक साथ चेंज किया। ना, हाँ, इन सब लेबल के अलावा हम एक इंसान है, और इंसान गलतियां करता है, इंसान सीखता है, जिंदगी बदलती है, वक्त बदलता है, चेंज होता है, इवॉल्व होते हैं। सो डे बाय डे हम एक नई चीज आ रही है लाइफ में, जा रही है। आप कभी भी नहीं कह सकते कि आप परफेक्ट हो गए। आप कभी नहीं कह सकते कि मुझे सब आता है। आप कभी नहीं कह सकते कि ओके, आई एम द बेस्ट, यू नो, लाइक अब मुझे लग रहा है कि मैं बेस्ट हूँ। नहीं, मुझे सुबह से शाम में इतना चेंज अपने आप में दिखता है, क्योंकि उस दिन से हाँ, रात के बीच में जो चीजें मैं सीख जाती हूँ, जो चीजें मुझे मिलती हैं लोगों के जरिए, हालात के जरिए, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए आपको मिलती हैं। एक छोटे छोटे जेस्चर, जब लाइक ये जेस्चर मेरे लिए बहुत, यू नो, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी कूल, कि इतने हालात खराब हैं, यू आर बाहर कूल सेंसिटिव नहीं मिल पर्सन, रहे, आर्ट यू? इतनी एफर्ट किए किसी ने मुझे भेजने के लिए। तुम एक आई एम सेंसिटिव वेरी इंसान हो, ये थैंकफुल। मैं देखता हूँ, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। आई एम, और आई थिंक दैट्स समथिंग दैट मैंने कभी पहले रियलाइज नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मुझे हमेशा लगता था कि तुम बहुत सख्त और स्ट्रांग इंसान हो, मगर सख्त के साथ साथ तुम सेंसिटिव भी हो, साथ साथ दोनों चीजें हो। एक तो मेरा ऑरा ऐसा है, शायद लोगों को लगता है, बहुत से लोगों को लगता है कि शायद मैं रूड हूं और मैं थोड़ी, बट मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, ट्रस्ट मी, मैं ऐसी नहीं हूँ। दूसरा, मैंने कुछ प्रोजेक्ट ऐसे किए हैं, इतने स्ट्रांग कैरेक्टर्स किए हैं, तो लोगों को लगने लगा है कि सभा यही है। वो इंसान नहीं होता जो टीवी पे आ रहा होता है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होता है। उसका कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। कि मैं जब भी किसी से मिलती हूँ ना, मैं हमेशा पूछती हूँ कि मुझे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट टू नो अबाउट हेयर एंड देयर, कि लाइफ में क्या हो रहा है, दोस्त कौन है, एक्स वाई जी क्या है। मैं आई वॉन्ट टू नो यू, यू अंडरस्टैंड? मैं आई अंडरस्टैंड, बट टुडे आई वॉन्ट टू नो यू, एंड आई वॉन्ट टू नो अनदर थिंग। आई वॉन्ट टू नो दैट वेन योर सभा कमल एंड यू हैव ऑल दीज, इतने ज्यादा रोल्स हैं, इतने ज्यादा जब आप जाते हैं, आपके ऊपर एक हर बंदा आपको एक एक नजर से देखता है एज अ सुपर स्टार, जो तुम हो, लेट्स फेस इट, वेल, थैंक यू मेरी सो फेवरेट मच। एक्ट्रेस हो। आई थिंक यू आर अमेजिंग एट एक्टिंग। मैं तुम्हारी तुम्हारे मक्खन भी नहीं लगा रहा, यू आर अमेजिंग एट वट यू थैंक डू। मगर इस यू। चीज में आपका जब एक इतना बड़ा ऑरा होता है ना, तो आपके इसके तो एक ऑरा की दीवार बन जाती है, हाँ या ना? मैं तुमसे तो आसपास भी नहीं हूं फेम में, मगर मैं जानता हूं कि एक दीवार बन जाती है। उस दीवार के ऊपर से टापने के लिए एक बहुत ही एक शेर की जरूरत होती है, जिसके अंदर एक इतना दिल हो कि वो जाके, इफ ही लाइक्स यू ही डज, देन गोज एंड अपना दिल तुम्हें दे। क्या सबा कमर को प्यार मिलता है इस तरह? क्या उसके लिए प्यार एक हकीकत है या सिर्फ दूर दूर से?
शेरू नो, मुझे बहुत प्यार होता है, मुझे हर दूसरे दिन प्यार होता है, मुझे मेरा मेरा दिल बहुत बड़ा है, एंड आई एम अ वेरी लवेबल पर्सन. या आई लव पीपल. ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार नहीं होता या मैं होने नहीं दूंगी या मेरी कुछ बाउंड्रीज हैं और मैंने इससे नहीं. प्यार प्यार क्यों तुम्हें, हैव यू फॉलन इन लव? यस आई वॉज, नॉट नाउ, अभी तो नहीं, लेकिन ऐसा है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता. अच्छा, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट लव. मैं प्यार को कैसे देखती हूँ, मैं रिश्तों को कैसे देखती हूँ, मैं एक मिनट में लिख रहा हूँ रिलेशनशिप जिसके बारे में, हाँ, जो इंटीमेट रिलेशनशिप जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, मैं कैसे सोचती हूँ मैं आपको बताती हूँ. तो मेरे लिए ना प्यार, मुझे लगता है कि प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें कंडीशंस नहीं होनी चाहिए. 2 साल 10 साल 15 साल, 2 बच्चे 10 बच्चे, आई डोंट अंडरस्टैंड. यू अंडरस्टैंड? और मुझे शादी प्यार लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना, मुझे अपने पीस ऑफ माइंड के लिए करना है कि कंपैटिबिलिटी, पीस. मुझे ये नहीं करना कि उफ. और मेरे वो मेरे मसले नहीं है शेरू कि मुझे 9 to 5 जॉब वाला बंदा चाहिए, मुझे घर चाहिए. आई हैव एवरीथिंग, वी हैव एवरीथिंग, यू नो, लाइक वी वांट पीस इन आवर लाइफ. तो वो जो नेगिंग वाला होता है ना, वो आई कांट स्टैंड अब्यूसिव पर्सन, रूड, डिसरिस्पेक्टफुल. सो ये जो एक नॉर्मल लोगों के बिहेवियर बन गए ना, दे कॉल दिस इज लव. एंड यू नो लाइक पीपल से you have to compromise in relationship. I don't understand this line. Why do we have to compromise? Why? Never settle. Why are you settling? यही तुम कह रही हो ना? हाँ, हम हमें किसी भी रिश्ते में, प्यार में, शादी में compromise क्यों करना है? हम क्या आराम से जिंदगी नहीं गुजार सकते? जरूरी है, ठीक है, relationship में differences होते हैं, लेकिन उनकी respect बहुत important है. अगर आपके आपके पार्टनर को, इफ ही लाइक्स पाकिस्तानी फूड एंड यू लाइक सुशी और चाइनीज, तो हमें एक दूसरे की चॉइसेस की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ना कि यू मेक फन ऑफ मी और यू नो लाइक आई विल से कि नहीं नहीं तुम ये कैसे खा सकते हो, व्हाट यू आर ईटिंग. नो, यू कांट डू दिस. सी, ना छोटी छोटी चीजें, ये छोटी चीजें पता नहीं मुझे समझ नहीं आती. अनकंडीशनल लव पॉसिबल? अनकंडीशनल लव पॉसिबल है? है, I do. Unconditional love. Unconditional love. हाँ. Possible है? मुझे कोई condition. मैं समझता हूँ कि शायद अपने unconditional. हाँ. I'm okay with it. मैं कभी नहीं call करूँगी, मैं नहीं पूछूँगी. ठीक है, your choice, man. If you wanna come, come. If you wanna go, go. मैं तो अब ऐसी हो गई हूँ. पहले नहीं थी, अब ऐसी हो गई हूँ. Yeah. किसी ने दिल तोड़ा इसलिए या बस ऐसे? नहीं, ये सब छोटी बातें हो गई हैं. दिल शिल ये वो सब, मेरे प्यार का जो नहीं ये मैं नहीं मानता. दिल टूटना छोटी बात नहीं हो सकती, दिल टूटना बहुत बड़ी बात होती है. बंदा जब दिल टूट जाए तो आगे जाके कहता है कि दिल टूटा छोटी बात थी, मगर दिल टूटना एक मॉन्यूमेंटल चीज होती है. मैं कहती हूँ दिल को इतना तोड़ो कि वो खुल जाए, और जब वो खुल जाता है तब इंसान असल प्यार करता है. तो मैं अपने दिल को बार बार तोड़ना चाहती हूँ. या तो असल प्यार तो तभी होता है जब आपका दिल खुल जाता है. और आपको प्यार में मतलब मुझे लगता है कि अगर आपके प्यार से कोई प्यार कर रहा है तो आपको उससे भी प्यार होना चाहिए. जेलिसी कैसी, प्रॉब्लम कैसी, दिल बहुत बड़ा हो गया. मसला ये दिल बहुत बड़ा हो गया. पता नहीं यार, मैं बहुत कोई अजीब सी हो गई हूँ, बड़ी अनएक्सेप्टेबल पर्सनैलिटी हो गई हूँ. मेरी सोच ऐसी है, मुझे कन्वेंशनल चीजें अब इतनी समझ नहीं आने लगी, ना रिश्ते ना चीजें. मुझे अनकन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल चीजें ज्यादा समझ आती है. आई डोंट थिंक कि तुम किसी तरह से भी एबनॉर्मल हो. मैं समझता हूँ कि नॉर्मल चीज वो होती है जो आपको दिल से आती हो. हम लोग वो डिसीजन लेते हैं जो आपको कंडीशन किया जाता है. कंडीशन किया जाता है मोहब्बत इस तरह का होता है, कंडीशन किया जाता है कि एक औरत की रोल शादी के अंदर बस ये है. हम पहले कंडीशन किया जाता है कि नहीं, आदमी ने जाके काम करना है और औरत ने बस ये करना है. ये सारी कंडीशनिंग होती है. दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि हमारे यहाँ चीजें फिक्स हो चुकी हैं, एक पैटर्न बन चुका हुआ है, प्यार का, शादी का, बदतमीजी का, मारने का, डिसरिस्पेक्ट करने का, और उसके बाद माफी मांग लेने का, उसके बाद वापस आ जाने का, बेटियों को ये कहने का कि बेटा मार पड़ी कोई बात नहीं, घर में रहो, उधर ही रहो, मर के निकलना. व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये क्या है? What is this? और मुझे ये भी समझ नहीं आता शेरू कि अगर
घर में 5 बेटियां पैदा हुई है, उसके बाद एक बेटा पैदा हुआ, उस बेटे की जिम्मेदारी नहीं उन पांचों को पालना। हमारी सोसाइटी का ये जो सिस्टम है ना, ये भी मुझे समझ नहीं आता। हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी है जिंदगी में आता। ये मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता हूँ इन चीजों से, स्पेशली जब अगर मैं किसी के बारे में सुनता हूँ कि किसी बीवी के ऊपर, किसी औरत के ऊपर कोई हाथ उठाया गया, उसके साथ कोई इवन वर्बल अब्यूज किया गया है, तो किसी तरीके से लड़का बस सॉरी कह के आगे जा सकता है और बस, और कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आती। मगर अगर लड़के के साथ होगा तो ये बिल्कुल ये सेम रूल्स नहीं होंगे, और ये यही सोशल कंडीशनिंग है। तो शायद यही जो तुम कह रही हो कि प्यार करने की भी जो चीजें जो है सोशल कंडीशनिंग, शायद अब तुम्हें उन पर नहीं बिलीव करती कि तुम्हारा जो दिल कहता है वो कहता है कि ये दिस इज नॉट ट्रू फॉर यू। एंड शायद इसी वक्त में जो हमारे पास ये थोड़ा सा वक्त आया हुआ है, जिसमें हम सारे अपने साथ वक्त गुजार के अपने ख्याल बारे में सोच रहे हैं, मे बी हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या दूसरे लोगों के साथ ये करना अच्छा है, या दूसरे लोगों को एक्चुअली जो तुम कह रही हो अनकंडीशनल लव विदाउट एनी conditions, किसी रुकावट के बगैर मोहब्बत देना, चाहे वो आपका loved one हो, फैमिली हो, जो मर्जी हो। जब शेरू ये चीजें समझ आ जाएगी ना इंसान को, उसकी जिंदगी खुद की बहुत आसान हो जाएगी, अच्छी लगने लगेगी, आपका पार्टनर आपसे खुश रहने लगेगा। वो कोई भी रिश्ता है, दोस्त है, बीवी है, बेटा है, माँ है, अगर आपने conditions अपनी खत्म कर दी है ना, कि अगर मैंने ये जो होता ना कि मैंने किया तुम भी करो, ये नहीं करो, बस करो, बस बस कर दो, ये मत सोचो कि अच्छा इस बर्थडे पे मैंने तुमको गिफ्ट दिया है तो अगले बर्थडे पे तुम्हारा भी बनता है मुझे देना, नहीं दो, इट्स फाइन, आई एम ओके विद इट। ये छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी बात ना, हाँ ये छोटी सी बात समझ आ जाए लोगों को, ये समझ नहीं आ रही, मुझे समझ आ गई शुरू, लेकिन आफ्टर यू नो सो मेनी इयर्स, और मुझे लगता है कि यार मैं कितनी जाहिल थी, मुझे पता नहीं था चीजों का, अब बाकी चीजों की समझ आ रही है। So, जो चेंज आया ना मुझमें, वो बहुत मजेकार, इंजॉय कर रही हूँ मैं एक्चुअली, और मैं अपनी जात से खुश हूँ, आई एम कंटेंट। अब आकर पहले मुझे बड़ी बेचैनी होती थी, यू नो खुश नहीं थी मैं अपनी जात से, वो होता ना आपको क्लोजर नहीं मिल रहा होता, आपको अपने आइडेंटिटी इश्यूज होते हैं, आप उसको उसको फेस नहीं करते, आपको पता नहीं होता कि हु एम आई एक्चुअली, नाउ आई नो हु एम आई, वेरी मच हैप्पी myself, और मैं कभी बोर नहीं होती, I never get bored, मैं अकेली कमरे में 10 घंटे भी बैठी रहूं तो मेरे पास बहुत सी चीजें होती हैं जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ, अपनी जात से, अपने आप से सवाल करती हूँ। जब इंसान अपने आप से मिलता है ना तो बहुत सी चीजें उसको समझ आती हैं। लोग ना स्केप ढूंढते हैं, भागते हैं, अपना फरार खुद से भाग रहे हैं, वो अपना सामना नहीं करना चाहते अपने अंदर की आवाज का, अपनी जमीन का। जिस दिन उन्होंने वो सामना कर लिया ना, जिंदगी बड़ी प्यारी हो जाएगी। क्या मैं डीप शिट करने लगी यार, ये और बात करते हैं, ये बहुत ही मजे। तो मैं पता है हमारे कोई इरादे वैसे नहीं थे इस डायरेक्शन में जाने के, मैं तुमसे काम के बारे में पूछ रहा था, मगर इस डायरेक्शन पे अच्छा हो तो मैं बात किया, बिकॉज बहुत कम लोगों के अंदर इतने, पर ये हिम्मत भी जो होती है ना, हिम्मत अपने अपने जो आप एक्चुअली फील करते हैं उसको एक पब्लिक फोरम पे पेश करना, वो हम सब में हिम्मत ये नहीं है। हम सब में क्या हिम्मत है, हमने वो चीजें प्रैक्टिस करके बोलनी है। मैंने अगर किसी से, मुझे याद है मैंने किसी का इंटरव्यू कर रहा था, मैंने पूछा आपको सबसे अच्छा खाने के लिए क्या लगता है, उन्होंने मुझसे रिकॉर्डिंग रुकवाई,